मैं संदीप सर एक बार फिर से आपके सामने अपनी नई क्लास लेके आया हूँ। बच्चों मुझे लगता है आप लोग घर में जब लोग वीडियो बना रहे होंगे आप लोग उसको देखते होंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो पिछले हमने दो लेक्चर पढ़ाए थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जिसमें हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, रेशियोज क्या होते हैं, रेशियोज किन साइड के होते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, उन पे बेस हमने कुछ क्वेश्चन करे थे। तो अगर जो बच्चों ने नहीं देखा होगा, जो डायरेक्टली इस थर्ड वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे फर्स्ट और सेकंड वीडियो को आप लोग देख लें, जिससे आपको इस वीडियो को आसानी से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपको लगता है वो वीडियो नहीं मिल रहा है तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके पहले हमारे दोनों वीडियो देख लीजिएगा, फिर हम थर्ड वीडियो पे आते हैं। और जो बच्चे हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, जो हमारे दोनों वीडियो देख चुके हैं, वो आज थर्ड वीडियो देखते हैं। बच्चे इस क्लास में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में, है ना। जैसे कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, उनके कैलकुलेट करने कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे, कैसे याद रहेंगी। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट जब देखेंगे एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में, अगर आप कुछ वैल्यू भूल जाते हैं, बाय द चांस है हम लोग ह्यूमन है वैल्यू भूल सकते हैं, तो अगर हम वैल्यू भूल जाते हैं तो विथ इन अ सेकेंड एक मिनट के अंदर हम कैसे उस वैल्यू को रिकैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में, कौन कौन से एंगल देखते हैं आइए। तो बच्चों हम जो एंगल देखने वाले हैं वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, है ना। हम अभी क्लास 10th में सीबीएसई के कोर्स के अकॉर्डिंग हम सिर्फ 90 डिग्री तक ही पढ़ेंगे। वैसे बच्चों 90 डिग्री के अबव भी होते हैं, 180 डिग्री तक, 270 डिग्री तक, 360 डिग्री तक भी होते हैं, क्योंकि सीबीएसई कोर्स के क्लास 10th में अभी केवल 90 डिग्री तक ही आपके एनसीईआरटी में है, तो हम सिर्फ उतना ही देखेंगे और आपके पेपर में भी इतने में ही आएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड में सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो पहले देखते हैं कि वैल्यू क्या होती है। तो हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हमने कुछ पर्टिकुलर एंगल लिख लिए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर हम कुछ रेशियोज की बात करें तो पहले लेते हैं हम साइन, फिर हम लेते हैं कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। बच्चों छह रेशियोज थे ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़े थे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। बच्चों जो मेथड बताने जा रहा हूं मैं, ये कोई ऑफिशियल मेथड नहीं है, निकालने का तरीका दूसरा है, बट ये एक ट्रिक है जिससे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं कोशिश करूंगा इतने में आपको सॉल्व करा देने की, ठीक है। तो बच्चों हम पहले साइन की वैल्यू देखते हैं, है ना। साइन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, छोटी सी ट्रिक है, देखिए आप लोग पहले देखिएगा फिर कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। पहले हम एक नंबर लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, है ना। हमने नंबर लिखा 0, 1, 2, 3, 4, सबको हम क्या कर देंगे डिवाइड बाय 4 कर देंगे, ठीक है। क्या क्या हमने पहले 0, 1, 2, 3, 4 ये हमने लिख दिया, फिर सबको हमने क्या कर दिया 4 से डिवाइड कर दिया और सबको हम रूट लगा देंगे, कहने का मतलब सबको रूट में हम बंद कर देंगे। ये तीन स्टेप आप लोगों को फॉलो करने हैं, फिर से बता दे रहा हूं 0, 1, 2, 3, 4 सबको 4 से हमें डिवाइड कर देना है और सबको रूट में हमें बंद कर देना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो बताइएगा। वैसे मैं करता हूं 0 डिवाइड बाय 4 बच्चों कितना होगा, 0 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही होने वाला है और 0 में जब रूट निकालते हैं तो वो वैल्यू 0 होती है ना। 0 डिवाइड बाय 4 0 रहेगा और जब रूट निकालेंगे तो वैल्यू 0 ही होने वाली है। 1 से 4 को डिवाइड नहीं करेंगे होगा नहीं, 1 का रूट निकालते हैं तो बच्चों 1 होने वाला है और 4 का अंडर रूट निकालते हैं तो 2 होने वाला है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, है ना। मैं इसको यहां कर रहा हूं, साइन 0 की वैल्यू बच्चों 0 हो गई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, कैसे हो गई पीछे देखते हैं, 1 का अंडर रूट 1 एंड 4 का अंडर रूट 2, ठीक है। ये डिवाइड हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा डिवाइड हो गया,
वन का अंडर रूट बच्चों वन होने वाला है और टू का अंडर रूट टू ही रहेगा, है ना। अब थ्री फोर डिवाइड नहीं होंगे ये बोथ, तो इसको क्या करेंगे, थ्री डिवाइड बाय फोर, थ्री का अंडर रूट कितना होता है बच्चों थ्री, और फोर का अंडर रूट कितना होता है बच्चों टू, रूट थ्री बाय टू, एंड फोर से फोर ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा वन बाय वन, वन का अंडर रूट बच्चों वन ही होता है, वन अपॉन वन भी वन ही कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर देखेंगे साइन थर्टी की वैल्यू कितनी हो गई जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन थर्टी की वैल्यू वन बाय टू, साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाय रूट टू, साइन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री बाय टू और साइन नाइनटी की वैल्यू वन, है ना। तो बच्चों हमने साइन की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर ली, ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। आपको ये लिखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ हमने तरीका बताया है कैसे सॉल्व होता है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको सिर्फ इन वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है और कोशिश करिए इसको याद रखने की। जैसे हम कहते हैं साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, आपको कहना पड़ेगा 1 बाय रूट 2 होती है, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें बार बार पेज पलट के दोबारा इस टेबल को देखने की जरूरत ना पड़े, हमारे माइंड में वो वैल्यू हो, अब जैसे क्वेश्चन देखें वैल्यू पुट करें और हमारा विदिन सेकंड आंसर आ जाए, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि एक एक करके सॉल्व करने की, तो पहले हम सभी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चों हमने साइन की वैल्यू निकाल ली, अब हम कॉस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस की वैल्यू निकालने का तरीका यह है, ये बच्चों हो गई आपकी साइन की वैल्यू, ये हम कॉस निकालते हैं, कॉस कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू को हम पलट देंगे, है ना, जो 90 डिग्री होगा वो जीरो हो जाएगा और जो जीरो होगा वो 90 हो जाएगा, जो 60 था वो 30 हो जाएगा और 30 वाला 60 हो जाएगा, 45 अपने जगह पे बरकरार रहेगा, वो नहीं चेंज होने वाला, है ना। तो बिल्कुल एज इट इज वैल्यू को आप पलट दीजिए, ये हो जाएगा बच्चों वन रूट थ्री बाय टू, ये हो जाएगा बच्चों वन बाय रूट टू, वैसे का वैसे रहेगा, वन बाय टू बच्चों यहां आ जाएगा और जीरो इधर आ जाएगा, है ना। आगे चलकर मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ, है ना, जब हम कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो देखेंगे तो मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं टैन की वैल्यू, बच्चों इससे पहले वाले मैंने लेक्चर में बताया था जो हमारा टैन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, है ना, टैन थीटा रेशियो होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा का, है ना। तो साइन डिवाइड बाय कॉस, अगर हम इनकी वैल्यूज को भी डिवाइड कर दें तो क्या होगा, टैन की वैल्यू पता लग जाएगी। तो जीरो और वन अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो जीरो अपॉन वन की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, आप लोग जानते हैं जीरो अपॉन वन मतलब जीरो ही होने वाला है ना, जीरो अपॉन वन का मतलब जीरो, वन बाय टू और रूट थ्री बाय टू अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, मैं यहां करके दिखा देता हूं आपको, वन बाय टू डिवाइड बाय रूट थ्री बाय टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वन बाय टू होगा और ये पलट जाएगा, टू बाय रूट थ्री हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो गया, कितना आ गया बच्चों वन बाय रूट थ्री, तो हम सीधा क्या वैल्यू लिखेंगे वन बाय रूट थ्री, ठीक है बच्चों। इसको देखते हैं रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, वन बाय वन आ जाएगा और वन बाय वन का मतलब वन होता है, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसको सॉल्व करके देख लेंगे, वन बाय रूट टू और वन बाय रूट टू, जब ऊपर जाएगा तो वन बाय रूट टू इंटू रूट टू बाई वन हो जाएगा, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया, वन बाय वन इसकी वैल्यू होती है, है ना। तो कह सकते हैं कि टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू हो जाएगी वन, ठीक है, कोई कंफ्यूजन बच्चों, ये नहीं रहता कोई होगी, अगर होगी तो बताइएगा आप, हम दोबारा बता देंगे इसको। अब देखते हैं साइन सिक्सटी की वैल्यू, साइन सिक्सटी की वैल्यू टू से टू कैंसिल हो जाएगा बच्चों, कितना आएगा रूट थ्री बाई वन, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर क्या बचता है रूट थ्री और डिनोमिनेटर में वन, तो रूट थ्री बाई रूट वन कितना जाएगा रूट थ्री ही रहेगा, है ना। और वन डिवाइड बाई जीरो, अगर डिनोमिनेटर में जीरो होता है तो वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड होती है ना। तो बच्चों ये हो गया हमारी साइन की वैल्यू, ये हो गई हमारी कॉस की वैल्यू, ये हो गई हमारी टेन की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन थर्टी की वैल्यू वन बाय टू, साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाय रूट टू, साइन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री बाय टू, एंड साइन नाइनटी की वैल्यू वन, ठीक है।
कॉस की वैल्यू देखते हैं, तो हमने क्या किया साइन को एज इट इज पलट दिया, जो 90 था वो 0 हो गया, 60 था वो 30 हो गया, 30 वाला 60 हो गया, ठीक है। 45 अपने जगह पे बरकरार रहेगा, तो साइन कॉस अगर 0 की वैल्यू देखते हैं तो 1 हो जाएगी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0, ठीक है। ऐसे हमने tan कैलकुलेट कर लिया। tan करने के लिए क्या करते हैं हम, साइन और कॉस को दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, 0/1 का मतलब 0, 1/2 और √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 बचेगा, उसको हमने वैसे लिख दिया। इसको डिवाइड करते हैं, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 बचेगा जिसकी वैल्यू भी 1 ही रहेगी, √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/1, √3/1 या √3 एक ही बात है बच्चों, 1/0 डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया, न्यूमरेटर में कोई भी संख्या होगी तो वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी, तो हमारा साइन कॉस टेन की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। और कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब हम आगे देखते हैं कोसेक, है ना, कोसेक की वैल्यू हमने स्टार्टिंग बताया था, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, साइन का, है ना, साइन का रेसिप्रोकल। जीरो को अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो जीरो को अगर ऐसे किस तरह ले सकते हैं, जीरो को हम 0/1 तो लिख सकते हैं, और इसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/0, और 1/0 का मतलब वो नॉट डिफाइंड हो गया, है ना, तो अगर हम लिख सकते हैं ये नॉट डिफाइंड। अब 1/2 का रेसिप्रोकल करते हैं, 1/2 का मतलब 2/1 हो जाएगा, 2/1 का मतलब 2 ही होता है, है ना, 1/√2 इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो बच्चे √2 हो जाएगा, 2/√3/2 है ये रेसिप्रोकल हो गया, 2/√3 हो जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही रहने वाला है ना बच्चों। ये हो गया हमारा कोसेक की वैल्यू, क्योंकि साइन हमेशा कोसेक का रेसिप्रोकल है, कोसेक हमेशा साइन का रेसिप्रोकल होता है, बताया था आपको। अब हम कॉस की बात करते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस रेसिप्रोकल की बात करें तो ये सेक होता है ना, सेक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो सेक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, 1 का रेसिप्रोकल हमारा 1 हो जाएगा, √3/2 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 ही रहेगा, 1/2 है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा नॉट डिफाइंड। कैसे देखते हैं, 0 अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो हो जाएगा 1/0, और 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, अब हम लास्ट देखते हैं कॉट की वैल्यू, है ना, कैट नहीं बच्चों कॉट है, ठीक है, हमारी राइटिंग थोड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। टेन 0 होता है, टेन 0 की वैल्यू 0, 0 का रेसिप्रोकल करते हैं तो होगी नॉट डिफाइंड, वन बाय रूट थ्री रेसिप्रोकल करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, टेन है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो बच्चों 1 ही रहेगा, √3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3, और नॉट डिफाइंड अगर रेसिप्रोकल करते हैं, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होगा बच्चों, नॉट डिफाइंड का मतलब हो गया बच्चों इस तरह रहा होगा, डिनोमिनेटर में 0 रहा होगा, और ये अगर ऊपर जाएगा तो 0/1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी, ये वैल्यू हो गई आपकी 0, हाँ, कोई कंफ्यूजन, ये हो गई आपकी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सबकी वैल्यू हो गई। अब आपको उसको एज इट इज याद करना है, दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको तैयार हो जाएंगी, ठीक है, थोड़ा सा बच्चों मेहनत करना, इसको आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको मैंने तरीका बताया है कैसे कैलकुलेट किया जाता था, ठीक है, ये कोई ऑफिशियल मेथड नहीं, मैं फिर से बता दूंगा, ये ऑफिशियल कोई मेथड नहीं है, बस एक ट्रिक है जिससे हम ये वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में भी आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि वैल्यू आपको तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों आप नोट कर लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर प्रैक्टिस करा देता हूँ, मैं इसको रिमूव नहीं करूंगा, क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करूंगा, जिससे आप भी ये वैल्यू यहाँ से लेके पुट करते रहेंगे, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। तो बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन, ये वैल्यू हम इसी भी बेसिक क्वेश्चन लिख दिए यहाँ पे, साइन स्क्वायर 45° प्लस कॉस स्क्वायर 45° अपॉन टेन स्क्वायर 60°, आपको देखो साफ साफ यहाँ पे एंगल दिख रहे होंगे 45°, 45°, 60°, है ना,
हमें क्या करना है, वैल्यू लेनी है, यहाँ पे पुट करके सिंपली सॉल्व कर देना है और वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, कैसे करते हैं मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को आता होगा तो वीडियो पॉज करिएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे इतनी भी कठिन बात नहीं है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, आप लोग हाई स्कूल में पहुंच चुके हैं। ठीक है, साइन 45, साइन 45 की वैल्यू तो कितनी होगी, देख लीजिए 1/√2 होगी। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर कहा गया था तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा है ना, प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, साइन की वैल्यू हो या कॉस की वैल्यू हो 45 डिग्री हमेशा बराबर होती थी, तो ये भी हो जाएगा 1/√2 स्क्वायर अपॉन, नहीं है देख लीजिए आप, अगर आपको याद नहीं है तो देख लीजिए, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती थी और sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती थी, अगर साफ नहीं है तो मैं इसको इस तरह से लिख दे रहा हूं। ठीक है, tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू होती थी √3, स्क्वायर है तो बच्चों स्क्वायर हमने वैसे ही लगा दिया। ठीक है, अब स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, प्लस ये भी 1/2 हो जाएगा अपॉन √3 का स्क्वायर बच्चों 3 होने वाला है ना, ऊपर एलसीएम लेंगे 2 1+1 डिनोमिनेटर में 3 था वैसे का वैसे लिख देंगे, 2/2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया और कितना आ गया बच्चों 1/3, ये हमारा फाइनल आंसर है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इसके, कोई ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग कर नहीं सकते हैं। हाँ, अभी हमने छोटा सा क्वेश्चन लिया है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन सॉल्व करने का तरीका पहले चीज होगा, हम सिंपल सी वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, साथ में वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को ही मिलेगा इस लॉकडाउन में। ठीक है, जब आप स्कूल खुलेंगे तो आप और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे, अभी के लिए इतना ही सफिशियंट होगा, मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूँ आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप उस तक नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, तो देखा है यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है 2 ब्रैकेट में cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री ब्रैकेट क्लोज माइनस 6 सेकंड ब्रैकेट में sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, स्क्वायर के फॉर्म में है। आप लोग क्या करिए, एक बार वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, अभी आपको हम वैल्यू बता चुके हैं, सॉल्व करिए और देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर हम उसको आगे सॉल्व करते हैं, तो वीडियो पॉज करिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिए इसको। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा। 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, स्क्वायर एंड स्क्वायर वैसे ही लगा देंगे, tan 60 की वैल्यू जो होती है √3 स्क्वायर है वैसे लगा देंगे। ठीक है, हम सिर्फ इनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं अभी, माइनस 6 sin 45 की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर, तो यहां भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई, अब हमें इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है, कैसे होगा बच्चों देखते हैं, 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर बच्चों 3 डिवाइड बाय 1 कर सकते हैं हम, माइनस 6 1/√2 स्क्वायर करेंगे 1/2 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 है ना, सिंपल सा सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम होगा 2 1+6 -6 एलसीएम लेंगे 6 3 -2 है ना, तो ये आने वाला है, सॉल्व करते हैं 2 × 7/2 6+7 7/2 -6 × 1/6 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा कितना आएगा 7 - 1 जो कि 6 के बराबर होता है ना, तो इस पूरी वैल्यू की वैल्यू होगी हमारी 6 है ना, सिंपली सॉल्व किया, कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व भी करेंगे और मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आप भी एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे 8.1 8.2। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क यही है, 8.1 सॉल्व करेंगे और 8.2 सॉल्व करेंगे और देखेंगे आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, और जो नहीं आता आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसको क्वेश्चन आगे यहाँ बता दूंगा। ठीक है, तो पहले आप अपनी एनसीईआरटी सॉल्व करिए, फिर कोई भी अदर बुक्स उठाइएगा, बहुत सी रेफरेंस बुक्स होती हैं, आप कोई भी सॉल्व करेंगे सारे आंसर आ सकते हैं आपको। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, और आज आपका होमवर्क ये है कि आप एनसीईआरटी का 8.1 और 8.2 दोनों एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगा 8.3 के बारे में, और मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 8.4,
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी हम लोग सॉल्व करना बताएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमने क्या सीखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो बच्चों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट थी, कोशिश करिएगा उसको ध्यान रखने की, और एक बार फिर से रखने की कोशिश करिएगा, घर पे एक बार कंप्लीट करिए कोशिश, ठीक है। मुझे लगता है दोबारा टेबल आप लोग बना देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप लोग घर में सुरक्षित रहेंगे, जितने भी लॉकडाउन के दूसरे रूल कहा गया है उसको फॉलो करेंगे, और कम से कम घर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और प्रतिदिन 2 से 3 घंटा आप लोग हर सब्जेक्ट को देंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, मैथ्स भी सॉल्व करेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, सोशल साइंस भी पढ़ेंगे, जिससे आपका जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पूरी तैयारी हो चुकी होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने 4th लेक्चर में।